बाइक पे जा रहे हैं आप, अब बाइक पे जा रहे हैं आप, बैठे हैं बाइक पे, आपका मित्र इस तरह से होए 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 कर रहा है, आप खोइनी बना रहे हैं, कहा था कि हाँ तनिया और चुना, तनिया और चुना, अब एक के बार एक्सलेटर ले लस, खोइनी ले ले नाक में सब, अरे बाप रे बाप, हैं ये क्या भाई रे सुरती से है कि नहीं, सब कुर्ती वर्ती सब खराब हो गया, बात समझ रहा है कि नहीं क्या चाचे हाँ ये समझ रहा ना सब, हाँ क्या कर रहा है नाचेगा आगे से एक के बार गधा को क्रॉस किया आ तला मरलस ब्रेक चाय देना, आ जब चाय दे ब्रेक मरलस नू तब मार दिला तू ठाए देना, क्या पढ़ना है जरूरत पहले समझा देते हैं फिर एक साथ लिखवा देंगे। अंग्रेजी होता है इनर्सिया, क्या होता है तो जड़त्व क्या है समझेंगे, ठीक है ध्यान दीजिए, ऐ बोका कहीं का जड़त्व क्या है, जड़त्व छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है और गति में है तो गतिशील ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे, सुने हैं ना जी, मतलब वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखती है और गति में बातों का हम गति में चलें, विराम में है तो विराम में रहेगी। एग्जाम्पल तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि आप रात का समय है बस से जा रहे हैं और रात भर का समय है सवेरे उतारेगा बस और आराम से चल रहे हैं इस तरीके से, आप बस का स्पीड कर दिया एकदम 90-110 हाई स्पीड में चला रहा है, होई 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 चला रहा है एकदम, अभी आराम से इस तरह सोए हैं सपना देख रहे हैं कि हम एरोप्लेन में हैं, अगल बगल घाटा है, समझ रहे ना, अतले आगे से एक के बार गधा को क्रॉस किया अतले मरलस ब्रेक चाय देना, आ जब चाय दे ब्रेक मरलस नू तो मार दिला तू ठाए देना, मारेगा नहीं मारेगा, और ये है जड़त्व का नियम, जब कोस के कपार फाड़ जाए तो पूरा जड़त्व में आ गई, बता रहे हैं का है आदमी का पहले माथा जाएगा कि पहले ठेहू ना, पहले माथा, क्योंकि माथा कहता पहले हम जाएंगे तो पीछे से तुम आओ, है ना जे सर खड़ा हो, पहले माथा कहता पहले हम जाएंगे तब तुम आओ बैठो, बताते हैं क्या होता है, होता क्या है कि अगर 110 के स्पीड में कोई बस है रो मत, अभी तो माथा लड़ा है अभी खून निकलना बाकी है अभी 110 के स्पीड में बस चल रही थी तो तुम्हारा पूरा शरीर 110 के स्पीड में था, अब चाय देना जब मारा है ना ब्रेक, चाय देना मारा है ब्रेक तो यहाँ से यहाँ का शरीर कमर से ऊपर का शरीर ये कह रहा था कि हम गति में बनी 110 के स्पीड में वहीं में रहे हम तो कतने चिलेब हम उतने स्पीड में जाएंगे आगे, और जो शरीर सीट के संपर्क में था घर्षण के कारण उसकी गति कम हो गई, मतलब उसको रोकना चाहा विराम की स्थिति में लाना चाहा लेकिन आ नहीं पाया, चूँकि हो तो 110 के स्पीड में जाएगा तो जुटले ना है तो लसरा के ये हो जाएगा तो पहले जाएगा हो तो मारेगा ठाए से नहीं, समझ रहे ना, चाहे और एग्जाम्पल देखे होंगे आप, ठीक है कोई आदमी आराम से बाइक पर जा रहे हैं आप, अब बाइक पर जा रहे हैं आप, बैठे हैं बाइक पर, आपका मित्र इस तरह से होए 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 कर रहा है, आप खोइनी बना रहे हैं, कहा था कि हाँ तनिया और चुना, तनिया और चुना, अब एक के बार एक्सलेटर ले लस, खोइनी ले ले नाक में सब, अरे बाप रे बाप, हैं ये क्या भाई रे सुरती से है कि नहीं, सब कुर्ती वर्ती सब खराब हो गया, बात समझ रहा है कि नहीं क्या चाचे हाँ ये समझ रहा ना सब, हाँ क्या कर रहा है नाचेगा कि कैसे हुआ, आप विराम की स्थिति में थे, बाइक भी विराम की स्थिति में थी और फटाक से ना जो स्टार्ट किया 20 के स्पीड में चाहे 30 के स्पीड में आ गया फटाक से ना, तो फटाक से स्पीड में जब 30 के स्पीड में आया शरीर कह रहा था ना हम विराम में हैं तो विराम में रहेंगे तुम आगे भागाओ, तो जब आगे भगाया तो शरीर के नीचे जितना पाँव तो था उस संपर्क में था, जब 20 के स्पीड में लिया तो इहो 20 के स्पीड में आगे चल दिया है आ हई वहीं रह गई टन देना है कि नहीं, तो ये होगा जड़त्व का नियम, जड़त्व क्या कहता है वस्तु जैसी स्थिति में थी उसी तरह से रहेगी, अगर गाल पर से ठीक है जा एक बार और घुमा हो जा बरखा हो क्या नाची हो जा पढ़ावा तो गाल पठिया रखे हिंग अटा कता रहे हाँ ज़्यादा तंग मत करो मोबाइल फेंके में तेज हो मोबाइल फेंकी नाम लगा तह रखे चलो सुनिए अब जड़त्व के तीन गो बेटा कहो बेटा एगो बड़का एगो मझला एगो छोटका बड़का के नाम है विराम का जड़त्व विराम का जड़त्व दूसरा होता है गति का जड़त्व
क्या होता है? गति का जड़त्व। और तीसरा होता है चला दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, अब समझ लीजिए। मैंने वह जड़त्व का हम तो बतेवे कि जड़त्व का ऐसा गुण है जो कि जिसके चलते वस्तु अपने पहले की अवस्था को बनाए रखती है। मैंने विराम में है तो विराम में, गति में है तो गति में। तो यहाँ वही कंडीशन लागू होता है कि वह जड़त्व जिसके चलते वस्तु विराम की स्थिति को बनाए रखे, चुपे चाप है तो चुपे चाप रहे, उसको कहेंगे कौन जड़त्व? विराम का जड़त्व। यह ऐसा जड़त्व है जिसके चलते वस्तु किस स्थिति में रहे, गति की स्थिति को बनाए रखे, मैं चल रही है तो चलती रह जाए, उसको कहेंगे कौन जड़त्व? वह जड़त्व जिसके चलते वस्तु अपने दिशा को बनाए रखती है, पूर्व में भागता पूर्वी ओर, दक्षिण में भागता दक्षिण ही ओर, भंडार कोनी ओर भागता तो भंडारे कोनी ओर, ठीक है, तो उसको कहेंगे दिशा का जड़त्व। ठीक है, कौन को समझा? हाथ उठा।